पौधारोपण और योगा करके माननीय न्यूज चैनल हरियाणा राज्य के हेड दीपक होरा का जन्म दिवस अम्बाला शहर पौधारोपण व सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने न्यूज चैनल टुडे 24 व नेशन एक्सप्रेस हरियाणा राज्य के हेड दीपक होरा के जन्मदिन के अवसर पर सभी लोगों ने मिलकर किया योग व इस अवसर पर ट्रैफिक पुलिस SHO मनीष कुमार, भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष संजय लखड़ा व अन्य सभी समाज सेवी लोगों ने मिलकर जन्मदिन की दी बधाई। कार्यक्रम के अंत में हरियाणा हेड दीपक होरा ने जन्मदिन पर पहुंचे सभी जजमानों का तहे दिल से धन्यवाद किया। जितने भी रोड सेफ्टी या यातायात नियमों का पालन है उस बारे में इस तरह के अन्य कार्यक्रम भी हम आयोजित करते रहे और कई स्कूल कॉलेजों में भी आपका ये अभियान चल रहा है। और वैसे आपको लगता है कि कुछ सुधार भी अम्बाला की जनता में आया है कि पीपल आर अवेयर ऑफ दैट के हेलमेट न केवल चलान के लिए बल्कि उनकी जान की जरूरत के लिए? हमने नोटिस किया है कि काफी जगह आपके पुलिस के जो ट्रैफिक पुलिस है समय समय पर अम्बाला के विभिन्न नाकों पर ड्यूटी देते हैं, तो आपको लगता है ऐसा कि कुछ जागरूकता धीरे धीरे आ रही है? हाँ, ऐसा महसूस होता है कि देखिए कुछ भी आप करते हैं तो उसका प्रभाव कहीं ना कुछ जरूर पड़ता है। तो जितने भी लोगों को हम प्रभावित कर पाएँ, जितने भी लोगों को हम जागरूक कर पाएँ, मेरे हिसाब से शायद वो अच्छा रहेगा। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि अधिक से अधिक हम इस तरह का आयोजन करके लोगों को जागरूक करते रहें। थैंक यू मनीष जी, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया कि अम्बाला पुलिस का ये अभियान समय समय पर अम्बाला की जनता को जागरूक करने के लिए दिया जा रहा है। तो अब हम स्वागत करेंगे हमारे भाई संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो रोज सुबह इतने बजे उठ जाते हैं आप? बिल्कुल, मैं 5 बजे रेडी होते हैं। उसके बाद वॉकिंग करते हैं। तो पौधारोपण का ये कार्यक्रम, ये कैसी आपको लग रहा है कि जन्मदिन पर एक पौधारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है? और मैं चाहता हूँ कि पूरे युवाओं को अपने जन्मदिन पर कम से कम एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। अगर क्योंकि भारत, मतलब जब तक वो युवा है, जब तक युवा है नहीं है लेकिन युवाओं के लिए स्पेशल मैं युवाओं का देखता हूँ। अच्छा, मैं युवाओं की बात करता हूँ। ठीक है, ठीक क्योंकि है। जब तक हम युवा का काम देख रहे हैं युवा की बात करेंगे। जी जी, क्योंकि देश के अंदर 65% युवा है। अगर 65% युवा अपने जन्मदिन पर एक पेड़ भी लगाए तो करोड़ों पेड़। संजय जी, पेड़ लगाने के बाद उसकी देखभाल भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, जैसे बच्चे को पढ़ते हैं वैसे पेड़ को भी पढ़ना पड़ता है। भारतीय जनता को मैं यही कहना चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति अपने जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाए।